कहते हैं कि मुझे कैसे पता अल्लाह मुझसे खुश है। स्कॉलर्स इसका एक जवाब देते हैं कि अगर तेरा नमाज पढ़ने का दिल कर रहा है और कोई नेकी करने का दिल कर रहा है तो ये एक साइन है अल्लाह तुमसे खुश है, क्योंकि तौफीक अल्लाह की तरफ से। हज़रत उमर सलानु कहते थे कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे ये डर है कि मुझे दुआ करने की तौफीक भी होगी कि नहीं। दुआ की भी तौफीक होती है। अगर एक बंदा हैंड रेज कर रहा है, सबूत है कि अल्लाह चाहता है उसके वो उसके पास आए, अदरवाइज हाथ ही ना उठाता हो। जिससे अल्लाह नाराज होता है उससे हाथ नहीं उठाए जाते, उससे फिर दुआ भी नहीं की जाती। तो इसलिए अगर आप कभी दुआ में हाथ रेज कर रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला चाहता है। सो इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ यू स्टैंड बिफोर द लॉर्ड, बिफोर द किंग, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या मकाम है अल्लाह के सामने, बादशाह के सामने, फिर ये देखें कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर तो अच्छे कामों में जा रहा है, प्रोडक्टिव कामों में जा रहा है, अच्छे कामों में, बहुत सी चीज़ें, ज़रूरी नहीं अच्छे काम से मुराद नमाज ही है, वो तो पीक का अच्छा काम है, अच्छे कामों से मुराद घर के काम भी है, अच्छे कामों से मुराद किसी की मदद करना भी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी अच्छे काम में आता है। एंड वट वर्क यू आर असाइंड टू डू, और ये देखो कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम किन कामों में मुलव्वस हो और तुम्हारा टाइम